सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। शिवसेना पार्टी के बिहार प्रदेश सचिव व औराई विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी प्रदीप सिंह ने औराई के कई गांवों में छठ व्रतियों के बीच 1001 साड़ियों का वितरण किया। बता दें कि औराई प्रखंड के बसंत गांव के महादलित बस्ती मटिहानी गांव के एक मंदिर प्रांगण एवं सहरखिया गांव के श्रीराम जानकी मंदिर के प्रांगण में छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान सभी जगहों पर उपस्थित बुजुर्गों के बीच धोती का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रदीप सिंह ने कहा कि छठी मैया की कृपा रही तो प्रत्येक वर्ष छठ व्रतियों के बीच उपस्थित रहूंगा, साथ ही औराई के विकास के लिए जनता का साथ मिला तो उनके विश्वास पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्टी के बिहार प्रमुख कौशलेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष शशांक ठाकुर, कंचन झा, प्रकाश कुमार, संजीत ठाकुर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंडित देव नारायण जी का अतिथि देवी शिव कुमार जी। सबसे पहले तो मैं औराई के विधानसभा प्रखंड में इस क्षेत्र में बहुत दिनों से मतलब मेरी ये मनोकामना थी, आशा थी कि छठ पर्व के शुभ अवसर पर जितने भी बीडो गरीब महिला हैं जो आर्थिक रूप से जिन्हें बहुत ही सहायता की आवश्यकता है, मैंने उन लोगों के लिए मुझसे जहां तक बन पड़ा मैं कोशिश किया कि उन लोगों की इस छठ पूजा के अवसर पर मैं जहां तक मदद कर सकूं साड़ी वितरण में मैंने वो कार्य किया। मैं अपनी ओर से शिवसेना पार्टी की ओर से और हमारे शिवसेना पार्टी के बिहार राज्य के प्रमुख माननीय कौशलेंद्र शर्मा जी, हम लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए अपनी पूरी ताकत एक की और आने वाले समय में हमारी ये प्रयास है कि हम इससे कहीं अच्छा और बेहतर कर सके, ताकि बिहार में जो है अभी भी मुझे लगता है कि हमारे गरीब लोगों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है और मेरा ये अपना मानना है कि गरीबी को जितना हम अगर मदद करेंगे, देखिए अमीरों की अकड़ तभी तक है जब तक गरीब जो है उसे देखते रहते हैं, जिस दिन गरीब देखना बंद कर देंगे उस दिन अमीरों की अकड़ ख़त्म हो जाती है। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत पहले से पिछले 10 वर्षों से सोशल एक कार्यकर्ता के रूप में हम जगह जगह पर ये बच्चों को मदद करना, किताब कॉपी से, कपड़े से, ये मैं करते आया हूँ। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, मेरा अपना एक मतलब सपना था कि छठ पूजा जैसे बिहार के बहुत बड़ा त्यौहार है जिसमें लाखों लोग छठ पर्व मतलब बिहार में करते हैं लोग, और यही एक ऐसा पर्व है जो पूरे विश्व में नहीं, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे विश्व में लोग उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं। लेकिन हमारी बिहार की ये संस्कृति रही है कि छठ पूजा में ही सबसे पहले हम डूबते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं और उसके बाद हम उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं। तो बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ पे सबसे पहले डूबते हुए चीज़ों को हम नमस्कार करते हैं, यानी कि गरीब असहाय को सबसे पहले देखना मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी था। मैं इससे पहले भी बिहार में जो चमकी बुखार हुआ था उसके लिए भी मैं मुजफ्फरपुर SKMCH में काफ़ी मदद किया अपने शिवसेना पार्टी की ओर से, मैं अपनी ओर से, और मैं कोशिश किया कि जहां तक हो सके लोगों की मदद करूं और आगे भी करता रहूंगा। मेरा अपना मानना है और शिवसेना पार्टी को बिहार में एक मजबूती प्रदान करनी है और आप लोगों का मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ औराई की जनता नहीं पूरे बिहार की जनता शिवसेना पार्टी को काफ़ी आगे बढ़ाएगी, क्योंकि हम हिंदुत्व के लिए मरते हैं और हिंदुत्व के लिए जीते हैं। बाला साहब ठाकरे जी का इस पावन अवसर पर एक मुझे वक्तव्य उनकी याद आती है, वो कहा करते थे कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर सड़कों पे घुमा करते हैं, हिजड़े वो है जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। तो मैं इसी के साथ अपने माननीय कौशलेंद्र शर्मा जी जो हमारे बिहार के प्रमुख राज्य प्रमुख हैं, इनसे मैं चाहूँगा कि दो शब्द हमारे पार्टी की ओर से आपके।